ए बॉम्ब ऑफ मास 5 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स एक्सप्लोड इनटू टू पार्ट्स ऑफ 2 kg एंड 3 kg. द वेलोसिटी ऑफ 2 kg पार्ट इज 20 m/s. द वेलोसिटी ऑफ 2 kg पार्ट इज 20 m/s. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 3 kg पार्ट. एक तो ये, सेकेंड फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक, दो पार्ट निकालना है ना इसमें, इसको लिख दो फर्स्ट, इसको सेकेंड. सबने लिखा क्वेश्चन, फिर साथ में पढ़ते हैं. लिख लिया ना, देखो क्या दिया हुआ है. ए बॉम्ब ऑफ मास 5 kg, एक बॉम्ब है कोई, उसका 5 kg मास हमको दे दिया एट रेस्ट. शुरुआत में बॉम्ब कैसे ऐसे पड़ा हुआ था, सिंपली पड़ा हुआ था, मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो. ठीक, यहां से ये रेस्ट का मीनिंग ये निकली, एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ 2 kg एंड 3 kg. एक्सप्लोड कर गया, अब ऐसे हाइपोथेटिकल बॉम्ब हमने अभी बनाया तो दो ही पार्ट में टूटा, 2 kg और 3 kg. द वेलोसिटी ऑफ 2 kg पार्ट, 2 kg पार्ट की वेलोसिटी 20 m/s है, 3 kg पार्ट की वेलोसिटी मुझे निकालना है. लॉजिक से सोचो होना क्या चाहिए. हाँ, इनिशियल मोमेंटम कंजर्व है, मतलब जीरो है. ये जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था, बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन हो रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है कि इंटरनल फोर्स की वजह, इंटरनल. ठीक है, उसका यही है, पूरी दुनिया इधर जाएगी तो फिर उसका उधर आंसर आता है. ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी उसमें केमिकल वगैरह भर रखे उसकी वजह से हो रहा है ना, बाहर से तो जाके मैंने ऐसे नहीं किया कि भाई अभी फोटो नहीं, वो तो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड कर रहा है. तो एक 2 kg वाला 20 m/s से गया, तो 3 kg वाला कितने से जाएगा. अच्छा तुम बताओ, अगर 2 kg वाला इधर जा रहा है तो 3 kg वाला किधर जाएगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना है. शुरुआत में जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो लॉजिक से समझ आता है. चलो अभी सॉल्व कैसे करेंगे, कि नेट एक्सटर्नल फोर्स है जीरो, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम वॉज जीरो, फाइनल मोमेंटम मास 2 kg वाले के पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 आई ना, 3 kg वाले के पास कितनी आई. अच्छा अगर तुमको साइन वगैरह का ध्यान ही नहीं रखना तो तुम ऐसा लिखो बस, प्लस 3 × वेलोसिटी ऑफ बी बोला है ना, कि कुछ भी ऐसे बोला, वी बोल दो बस. ये क्या आ गया, -40/3. ये माइनस साइन इस बार क्या बता देगा, कि जिस तरफ 20 गया होगा, जिस तरफ ये 2 kg वाला गया उसके अपोजिट साइन पे चला गया. अगर मैं शुरुआत में ही ले लेता कि ये उसके अपोजिट जा रहा है, माइनस ले लेता तो हमारा आंसर प्लस में आ जाता, क्योंकि हमने साइन अपने आप से ही समझ लिया था. बात समझ में आई, हर एक चीज जो आ रहा है तुम्हारे आंसर में माइनस निकल के आ गया तो उस वक्त उसका भी कुछ मीनिंग है. तुमने पहले से ही माइनस सोच लिया तो तुम्हारा आंसर प्लस में आ गया. ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सिंपल. तो 40/3 m/s से ये जाएगा. अच्छा ये देखो, 2 kg वाला गया है 20 से ना, तो 3 kg वाला उससे तो कम ही वेलोसिटी से जाएगा, उससे कम से ही गया है. देखो ये कितने 13.33, कम से ही जाएगा. भारी वाला पार्टिकल तो धीरे जाएगा, हल्का वाला पार्टिकल तेज वेलोसिटी से जाएगा. चलो अब सेकंड पार्ट करो, फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. क्या हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, आ गया, बिल्कुल इजी है. फर्स्ट पार्ट क्या हो गया भाई, तुम लोग फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट
क्या आया? हाफ मास, मास कितना दे रखा है? 2 इंटू उसका वेलोसिटी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 40 बाई 3 का, माइनस भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो ही जाएगा, यही आएगा। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ गई। हाँ भाई सिस्टम की और कौन बोल रहा है? नहीं अरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ गई, सिस्टम में दोनों एक की काइनेटिक एनर्जी दूसरे की काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लो। हाँ तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आई इसका वर्गडन किसने किया? वर्गडन वही जो केमिकल भी भरा था उसने तो वर्गडन किया। तो ये पूछने की जगह कि फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर ये पूछ लेता फाइंड द वर्क डन बाय द केमिकल व्हिच वाज फिल्ड इन द बॉम्ब, तो भी तुम ये निकालते फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये थी, और किसी ने तो वर्क डन किया नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा वैलिड होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय कौन सी फोर्स करे? जो भी केमिकल फोर्स, जो भी केमिकल भरा है उसने जो भी फोर्स लगाई होगी उसी ने तो वर्क डन किया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो थी, बॉम्ब तो रेस्ट पे था। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई लैंग्वेज के साथ भी चेंज कर सकता, इतना भी नहीं पूछेगा, बट ठीक है बता दिया।